दिग्विजय सिंह पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा तंज कसा और कहा कि कांग्रेस की खानदानी आदत है कुतर्क करना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो लोग जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हैं वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं रीवा संभाग के क्लस्टर प्रभारी प्रहलाद पटेल अमरपाटन में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। मंत्री पटेल ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि जो खुलकर राम का नाम नहीं ले पाते थे वो सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं और दिग्विजय सिंह वोट के लिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वैसे भी कुतर्क करना कांग्रेस की खानदानी आदत है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह का दुआ मांगने का फोटो सामने आया वो वोट का पाखंड है। ये वोट का पाखंड है। कभी वो सपत्नीक शंकराचार्य के लिए साष्टांग हो जाते हैं, कभी ये करते हैं। मुझे लगता है ये वोट का पाखंड, ना तो ये धर्म निरपेक्षता है ना धर्म के प्रति सम्मान है। किसी भी धर्म का इस भारत की भूमि पर कभी हम लोगों ने अपमान नहीं किया। दुनिया का अगर भारत में चर्च बना था तो ये भारत है जिसने जमीन दी। कोई भी धर्म दुनिया का हो तो उसको स्थान अगर किसी ने दिया तो इस भारत की भूमि पर। इसलिए ये कहकर सनातन का अपमान करने की कोशिश अगर दिग्विजय सिंह या उनके इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं, चाहे वो तमिलनाडु का हो या बिहार का भी, ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन देश की जनता अब सनातन का अपमान सहने के लिए तैयार नहीं है। ये दिग्विजय सिंह जी को समझना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।